होटल के कमरे को पहले ही सील किया जा चुका है। उदयपुर में भी होटल का कमरा सील किया गया। उदयपुर के 3 वेटर्स के स्वास्थ्य की भी अब जांच होगी। तो आपको बता दें, जहां पर होटल के कमरे से पहले ही जांच के बाद उसे सील किया जा चुका है। जूनागढ़ किले के स्टाफ और होटल स्टाफ से भी जानकारी यहां पर ली गई है। इस पर और अधिक जानकारी के लिए जी मीडिया संवाददाता रौनक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रौनक, कोरोना को लेकर चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर है और यही वजह है कि एक के बाद एक होटल की जांच कई टीम्स कर रही है, साथ ही इटालियन सैलानी की विजिट की सीआईडी से भी अब रिपोर्ट मांगी है। जी बिल्कुल, देखिए मैं पूजा आपको बताऊं कि कोरोना को लेकर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग और सीएमएस जो है यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से वीजा को लेकर कई देशों पर जिस तरह से रोक आई, इसके बाद जितने होटलियर से उनकी एक खास मैसेज जो है जिला कलेक्टर सुनाई गई है कि अगर कोई विदेशी सैलानी उनके होटल पर ठहरा है तो उसकी डिटेल जो है वो यहाँ पर प्रशासन को दी जाए। साथ ही साथ जिस तरह से इटालियन सैलानी को लेकर जो मामला लगातार चल रहा है, उसको लेकर के जिस होटल में वो ठहरा था, जिन स्थानों पर, चाहे जूनागढ़ किले की बात करूं या सागर में जो छत्रियों का भ्रमण किया गया, तो उन तमाम जगह पे स्टाफ से जाकर जानकारी ली जा रही है, उनकी जांच की जा रही है। 28 दिनों तक इन तमाम स्टाफ के जो कर्मचारी है उनको ये कहा गया है कि आप सतर्क रहिए, आपको अगर किसी तरह की दिक्कत है तो आप सीएमएचओ या स्वास्थ्य विभाग को बताइए। तो कहीं ना कहीं लगातार उन कमरों की तलाशी हो रही है, होटल की जांच हो रही है, साथ ही साथ जो स्टाफ है उनकी चेकिंग हो रही है। तो पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि जिस तरह से लगातार किसी विदेशी सैलानी राजस्थान के इलाकों में आते हैं भ्रमण करने के लिए, और ऐसा ही एक बड़ा मामला क्योंकि इटालियन सैलानी को लेकर हुआ, तो अब जिस तरह की स्थिति है स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। जी पूजा, चलो फिलहाल आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। अविनाश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, उनका भी रुख कर लेते हैं। अविनाश, कोरोना की प्रदेश में दस्तक के बाद उदयपुर में भी एक होटल का कमरा सीज किया गया है, इस बारे में क्या जानकारी मिल पाई है? जी बिल्कुल, देखिए जयपुर में जो कोरोना पीड़ित दंपत्ति सामने आए हैं जिनमें पुष्टि हुई, वो उदयपुर में भी रुके थे अपने ग्रुप के साथ में होटल ट्राइडर में, और जिस कमरे में ये दंपत्ति ठहरा हुआ था उसको स्वास्थ्य विभाग ने कमरे को सील कर दिया गया है। उसके अलावा जो होटल का स्टाफ है जो उनके लगातार संपर्क में आ रहा था, उनकी उनके स्वास्थ्य की जांच की गई है। उसके अलावा जो ट्रेवल एजेंट जो है जिन्होंने पूरे उदयपुर शहर में उनको घुमाया था, उसको जो है आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है, उसके स्वास्थ्य की गहनता से जांच की जा रही है। उसके अलावा वो पर्यटक जिन जिन स्थानों पे गए थे और ज्यादा लंबा समय जिन स्थानों में बिताया, वहां पे स्क्रीनिंग का काम किया जा रहा है। इन दो